दोस्तों, जैसे जैसे वेदर बदलने लगता है, हमें बुखार, सर्दी, जुखाम, ये सब के हमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं बॉडी में। ऐसे चीज़ें होने लगती है कि इन्फेक्शन होने लगता है, और स्पेशली वायरल इन्फेक्शन। तो डेंगू और वायरल बुखार में क्या लक्षण होता है, ये इसमें अंतर क्या है, आप कैसे पहचाने कि आपको डेंगू है या फिर आपको वायरल बुखार है, आज मैं आपको बताती हूँ। तो मैं स्वागत करती हूँ NBT लाइव की सेहत की बात में तनप्रीत, और आज हम बात करने वाले हैं कि वायरल बुखार और डेंगू के फीवर में क्या अंतर होता है, इसके लक्षणों से आप कैसे पहचाने। वायरल फीवर और डेंगू के ज्यादातर लक्षण ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, जिसकी वजह से बुखार आने पर यह पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है कि ये डेंगू है या फिर वायरल बुखार। कई बार लोग इसे लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और इससे उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। ऐसे में सही समय रहते ही आप डेंगू और वायरल की जो कंफ्यूजन है उसे आप दूर कर लें। डेंगू का संक्रमण एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है, जबकि वायरल बुखार इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। दोनों ही वायरल बुखार हैं, लेकिन डेंगू बेहद खतरनाक होता है। डेंगू की वजह से लोगों की मौत भी हो सकती है, जबकि वायरल बुखार कुछ दिनों में दवा लेने से ठीक हो जाता है। मच्छर वाले एरिया में रहने वाले लोगों को डेंगू होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं डेंगू संक्रमित मच्छर से दूसरे लोगों में भी फैलता है, जबकि वायरल बुखार संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल जाता है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। डेंगू और वायरल फीवर के लक्षण के बारे में सभी को जान लेना चाहिए, ताकि किसी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। तो डेंगू में और वायरल फीवर में जो लक्षण होते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। दोनों के अधिकतर लक्षण एक जैसे होते हैं, दोनों ही संक्रमण की चपेट में आने से होता है। तो लोगों को बुखार, सिर दर्द, खांसी, शरीर में दर्द, वीकनेस, स्किन पर लाल चकत्ते होना, उल्टी, ऐसे लक्षण नजर आते हैं। हालांकि कुछ लक्षणों से ये पहचान की जा सकती है कि बुखार वायरल है या फिर डेंगू की वजह से है। डेंगू होने की कंडीशन में बुखार बहुत तेज आता है और शरीर में बहुत तेज दर्द होता है। डेंगू संक्रमण की वजह से लोगों का प्लेटलेट काउंट तेजी से कम हो जाता है, जबकि वायरल में प्लेटलेट काउंट में गिरावट नहीं होती। वायरल बुखार 3 से 5 दिनों में आसानी से ठीक हो जाता है, जबकि डेंगू फीवर लंबे समय तक रहता है और तबीयत लगातार आपकी बिगड़ती जाती है। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो 2 से 3 दिन के बाद आप टेस्ट कराएं। अगर ब्लड टेस्ट में प्लेटलेट काउंट कम होगा तो डेफिनेटली ये डेंगू का प्रमुख लक्षण है। इस दौरान बिना देरी किए आप डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे इलाज करवाएं। डेंगू एक खतरनाक बुखार है, जिसमें खुद इलाज करने की गलती कभी नहीं करें। ऐसा करना आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। बुखार आने पर लोगों को सिर्फ पैरासिटामोल टैबलेट लेनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना आप कोई भी एंटीबायोटिक दवाएं खुद से ना लें। ऐसा करना जानलेवा हो सकता है। बुखार आने पर आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है और मच्छरों से आपको किसी भी हालत में बचाव करना है। तो दोस्तों, डेंगू का फीवर और नॉर्मल फीवर में क्या अंतर होता है, इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही NBT लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थ अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए।